जय हिंद। देखिए, अभी हाल में केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश को मंजूरी लाने के लिए संसद में जो कृषि से संबंधित 3 संशोधन विधेयक रखे हैं उसको लेकर कई विपक्षी पार्टी तथा हरियाणा और पंजाब के किसान खासे थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी किया। इसमें सरकार कह रही है कि ये विधेयक जो है वो एकदम गेम चेंजर है। आपको पता है सरकार ने लाया है तो गेम चेंजर ही होगा, और विपक्ष कह रहा है ये बर्बाद होगा। आपको पता है कि भैया विपक्ष में हो तो बर्बाद ही होगा। हमारे हिंदुस्तान में तो ये 1947 जब देश आज़ाद हुआ तभी से चलते आ रहा है कि हम जब सत्ता में तो भैया हम जो करेंगे वो सही है, चाहे वो GST हो, चाहे वो FDI हो, चाहे नोटबंदी हो, और अगर हम विपक्ष में हैं तो वही कुछ भी होगा तो वो खराब ही होगा। लेकिन आपको समझना है भैया ये सही है या गलत है। हर चीज के कुछ अच्छाइयां और खराबियां होती हैं, तो इसमें भी देखते हैं क्या इस विधेयक में अच्छाइयां हैं और क्या खराबी है और क्या जोड़ के और अच्छा किया जा सकता है। तो इसमें 3 विधेयक हैं, हम तीनों को अलग अलग करके समझते हैं। पहला जो विधेयक का नाम है उसे इनका नाम है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है क्योंकि 2020 में संशोधन हुआ है। हिंदी में कहें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो भंडारण नियमन है। देखिए, कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे नमक, तेल, आलू, प्याज, गेहूं, चावल, ये सब आवश्यक वस्तु हमारी जीवन के लिए है। अगर कोई किसान इसका भंडारण कर लेता है, कोई बड़ा व्यापारी इसका भंडारण कर लेता है, तो फिर उसकी रेट बढ़ जाएगा। जैसे आपके शहर में कई कंपनियों के तेल आते होंगे, सरसों तेल जिसमें आप खाना खाते हैं, अब कई कंपनियों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका एक एजेंसी लिया रहता है जिसको आप डीलर कहते हैं, उसी के पास वो कंपनी ले आके पटक देती है कि लो भैया अब तुम यहाँ पर इस शहर में जितने लोगों को ज़रूरत होगा तुम छोटे व्यापारी को देना, वो छोटे को देगा, वो दुकानदार को देगा, वहाँ बिकेगा। अब जरा सोचिए कि अगर ये जो कंपनी वाला है जो सबसे उस शहर का सबसे बड़ा डीलर है, जो गोदाम वाला, अगर वो खूब ज़्यादा सरसों के तेल को कई लाख लीटर रखे हुए हैं और उससे आ रहे हैं सर सप्लायर खरीदने के लिए, होलसेलर खरीदने के लिए कि साहब हमको सरसों तेल चाहिए, तो कहेगा कि नहीं है, ये नहीं है, जाओ जाओ यहाँ पे। तो जो सरसों तेल आपको 120 रुपया लीटर मिलना चाहिए, अब वो तो धीरे धीरे रेट बढ़ेगा क्योंकि उसके पास है, लेकिन वो क्या कर रहा है, भंडारण करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये रेट बढ़ेगा। अब जैसे वो 120 से 200 रुपया पहुंचेगा तुरंत वो कह देगा हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया, अब वो उसको धीरे धीरे सप्लाई करेगा। अब इससे क्या होगा कि उसको जो बड़ा व्यापारी था उसको तो गोदाम में रख लिया, उससे फ़ायदा हो गया। ये बहुत ज़्यादा होता था, कब होता था, 1955 में। तो सरकार ने इसको एक कानून लाया कि अब आप भंडारण नहीं कर सकते, अगर आप भंडारण करेंगे तो आपके गोदाम में पकड़ा जाएगा, तो आपकी लाइसेंस सीज कर दी जाएगी, आप जेल चले जाएंगे, लाखों रुपया जुर्माना लग जाएगा। तो कोई भंडारण नहीं करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 2020 में संशोधन ला दिया कि नहीं आप भंडारण कर सकते हैं। आप केवल 2 स्थिति में भंडारण नहीं कर सकते, कब, युद्ध में नहीं कर सकते और आपदा में नहीं कर सकते, इसके अलावा आप भंडारण कर सकते हैं। और पता नहीं क्या जरूरत थी सरकार को ये जून में अध्यादेश लाने की। अध्यादेश तब लाया जाता है जब बहुत इमरजेंसी की जरूरत हो और राष्ट्रपति से कह के कानून बनवा दिया जाता है। हमको तो नहीं लग रहा था कि जून के कोरोना महामारी में ये भंडारण की अनुमति देने वाला कानून लाना चाहिए था। गवर्नमेंट जो थी वो इसका कृषि को, मतलब कृषि से अपना पल्ला झाड़ने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। उसको मिल गया बहाना कोरोना का कि ना प्रदर्शन होगा ना कुछ होगा, जून में शांति से निपटा दिया। और जब उसको फाइनल कानून बनाने के लिए संसद में लाया गया तो उसका विवाद होने लगा। अब आप बताइए, आपने जो ये आदेश दे दिया, अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनका गोदाम है, आपको ही पता है कोई घर में कितने चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है, बहुत कम ही चीज़ को स्टोर करके रख सकता है, उसका अपना गोदाम होता है और गोदाम उसी एरिया में होता है। अब मान लीजिए किसी का दिल्ली में मार्केट है तो गोदाम लखनऊ में थोड़ी रखेगा भैया, दिल्ली में ही रखेगा। अब उसने क्या किया है, सपोज कीजिए कि दिल्ली में वो किसी कंपनी किसी चीज़ का वो ले रखा है, एजेंसी वगैरह, सपोज आपके यहाँ MDH मसाले और ये एवरेस्ट मसाला बहुत चलता है, उसने पूरे दिल्ली का उसके पास स्टॉक है, वो फैक्ट्री से उसी के पास आ रही है और उसने स्टोर करके रख लिया है। अब वो दे ही नहीं रहा है, कह रहा है कि भाई है नहीं है मेरे पास, पुलिस आएगी गोदाम दिखाओ तो कहेगा पगला गए का, मोदी जी 2020 में नियम लाए, पढ़े नहीं है क्या, एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए आप, युद्ध है अभी, युद्ध चल रहा है कहीं, नहीं, कोई आपदा आई हुई है, अभी तो खैर कोरोना है, कोरोना बीतने की बात करें, कोई आपदा है तो पुलिस कहेगी नहीं तो कहीं निकलिए यहाँ से। अब कह लिए गोदाम चेक कीजिएगा, गोदाम में भंडारण आप तभी चेक कीजिएगा जब युद्ध और आपदा के समय हम भंडारण करेंगे, उससे पहले हम कर सकते हैं, मसाले का रेट बढ़ जाएगा। क्या सोच के लाया गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट क्या कह रही है इस पे? कि भाई हम ये भंडारण क्षमता व्यापारी को भी दे रहे हैं और किसान को भी दे रहे हैं कि किसान जो है अगर वो आलू बोया है और आलू बोते समय उस आलू का रेट 10 रुपया है तो आलू किसान भी रख ले अपने जगह पे, अपने यहाँ घर में आलू रख ले और 2 महीना बाद बेचे जब आलू का रेट 25 रुपया हो जाएगा तब। ये बताइए किसान के यहाँ नया फसल बोएगा, किसान का हवेली रहता है क्या, उसके घर में बेचारा कितने गरीबी से किसान जीते हैं सब नहीं समझ में आता है बेचारा, उसको खुद के रहने के लिए अच्छा सुविधाएँ नहीं होती है, कहते हैं किसान के बारे में
घर तपकती थी उसकी, लेकिन फिर भी वो किसान बारिश की दुआ मांगता था। अजब हाल है भाई, ये किसान के पास इतना जगह है जो भंडारण करेगा, कितना रख सकता है किसान? एक व्यापारी से ज़्यादा तो नहीं रख सकता है। तो ये तो सीधा सीधा इन व्यापारियों को एक कालाबाजारी करने की छूट है, और हद तो तब हो गई जब सरकार ने इसे अध्यादेश में ला दिया। हालांकि आपको पॉलिटी में हम अध्यादेश पढ़ा देंगे, अगर आप बोलेंगे अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट है, इसे क्यों लाया जाता है, तो पहला ये तो किसी काम का नहीं रहा, ये उसका कोई खास महत्व नहीं रहा। दूसरा विधेयक जो सरकार ने लाई है वो अच्छा है, लेकिन ये वाला आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बताएंगे कमेंट करके कि अच्छा है पहला वाला। अब हमको तो हमको उतना अच्छा नहीं है, अब हम हो सकता है कि हम गलत हों, आप किसान हैं आप ज़्यादा समझते होंगे। दूसरा संशोधन जो लाया गया है उसको क्या लाया गया भाई, तो देखिए फार्मर्स, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, इसको हिंदी में क्या है कि इसका इसको मेन इसमें क्या रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रखा गया। अब इस विधेयक को ध्यान से समझिए, इसमें जो मेन चीज़ें क्या कही गई, ये अच्छा है विधेयक, इसे हिंदी में कहेंगे मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता। किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, किस चीज़ की समस्या, अगर वो गेहूँ बोने गया है, अब गेहूं में उसको भी देख रहा है कि गेहूं बोने गए हैं तो 25 रुपये किलो गेहूं बिक रहा है, तो सोचता है कि चलो गेहूं लगा देंगे, चार महीना बाद जब इसे काटने जाता है ना तो बेचारा 25 रुपये की जगह गेहूं 16 रुपये हो जाता है, तो परेशान हो जाता है किसान, क्या करे। तो इस विधेयक के तहत अब कहा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती हैं, यानी आप अनुबंध कृषि कर सकती हैं। अब ये क्या है भैया अनुबंध कृषि, तो बहुत ज़रूरी है, आप इसे ध्यान से समझिए। लेज कंपनी चिप्स बनाती है, पार्ले कंपनी करोड़ों की संख्या में बिस्किट बनाती है, ब्रिटानिया पार्ले ये सब, तो पार्ले कंपनी को गेहूं चाहिए, लेस कंपनी को क्या चाहिए, आलू चाहिए, लेकिन इन्हें आलू 2-4 किलो नहीं चाहिए, इसे थोड़ा मालगाड़ी का मालगाड़ी बुक कर लेता है। ऐसा कौन सा गली मोहल्ला होगा जहां चिप्स नहीं बिकता होगा लेस का, या ब्रिटानिया पार्ले जी की बिस्किट नहीं होगी, उन्हें इतनी गेहूं कहां से आएगी, इसका मतलब वो छोटे किसान से खरीद नहीं पाते हैं। अब जब वो खरीदने जाते हैं तो उन्हें गेहूं थोड़ा महंगा बिकता है, तो इसी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाएगा। वो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और पूरा एक गांव है, जैसे मान लीजिए ये गांव है ना, इस गांव में देखिए ये खेत हीरा लाल का है, ये अख्तर का हो गया, ये मिश्रा जी का हो गया, ये यादव जी का हो गया, ये शांति देवी का हो गया, ये किसी का हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, यहाँ पर अलग अलग लोगों का खेत है। अब जो कंपनी है, मान लीजिए कि बिस्किट की कंपनी है पार्ले जी, उसको लगा कि हमको ना 10,000 मीट्रिक टन हमको गेहूँ चाहिए। अब वो अपने इंजीनियर को लाएगी और कहेगी देखो तो 10,000 मीट्रिक टन कितने एरिया में हो जाएगा, तो उसका इंजीनियर कहेगा ना आइडिया लगा के पूरा कि भैया इतना एरिया में अगर आप गेहूं बोआ लीजिए ना पूरा गेहूं, तो इतना हमारी ज़रूरत पूरा हो जाएगा। तो कहेगा भैया इतना में तो बहुत आदमी का खेत है, तब वो जितना किसान है उस सबसे एग्रीमेंट कर लेगा, क्या कर लेगा, कॉन्टैक्ट कर लेगा कि भैया देखो आप लोग इस एरिया में ना केवल गेहूं बो लो और कुछ नहीं, बस गेहूं बो। तो किसान कहेगा कि हमारा कौन सी मिलतो, तो कहा कि देख भैया तुम डिसाइड कर लो गेहूं बोने से पहले ही कि अगर तुम गेहूं बोओगे तो तुम्हें गेहूं का कितना रेट चाहिए। तो किसान कहेगा ये तो बढ़िया बात बोल रहा है, बोने के समय गेहूं रहता है 25 और जब बेचने जाते हैं तो हो जाता है 16। तो कहेगा ये पार्ले जी 25 रुपया किलो अगर आप गेहूं खरीदिएगा तबे हम यहाँ हम गेहूं बोएंगे, ना तो हमारा मन यहाँ सरसों बो देंगे, किसी का कुछ दुनिया भर कुछ भी बो सकता है भैया, वहाँ आलू बो देगा, कुछ भी बो देगा, सब्जी बो देगा, तो पहले से उसके लिए कितना कहा हो गया 25 रुपया। अब किसान टेंशन फ्री है कि भैया वो कंपनी क्या है 25 रुपये में हमें खरीदेगी। तो इसमें क्या होता है प्राइस बिफोर फार्मिंग, खेती से पहले ही कंपनी वाले क्या कर लिए सब प्राइस कर लिए। अब कंपनी भी टेंशन फ्री है, वो अपना प्रचार पे फोकस की है, उसको टेंशन नहीं है, उसको पता है कि 4 महीने बाद किसान लाएगा, इसमें वो कंपनी झांकने नहीं आएगी आप क्या किए क्या नहीं किए, समझ आ गया कि नहीं। अब जब कटिया का समय आएगा अप्रैल में, जब कटिया होगा गेहूं का, तब सब किसान यहाँ पर रहेगा, आई मान लीजिए सुरेश का था, ये अब्दुल का था, ई मिश्रा जी का था, जिनका जिनका खेत है उनके खेत में कितना गेहूं हुआ है, ये सब कुछ खेती जैसे पहले होती वैसे होगी, लेकिन अब ये पहले से इनके पे कॉन्टेक्ट था पार्ले जी वाले से, तो पार्ले जी वाला अपना ट्रक लगा देगा और वहाँ 25 रुपये किलो से भर दीजिए। अब ससुरा मार्केट में गेहूँ 10 रुपया हुआ कोनो मतलब नहीं, 25 रुपया पहले से कॉन्टेक्ट है। मान लीजिए कि गेहूँ 2 रुपया किलो हो गया, किसान टेंशन फ्री है, किसान के लिए कितना मस्त है भैया कि तुमको ना मंडी में ले जाने की ज़रूरत है, कंपनी वाला खुद ट्रक लगाएगा लेके भेज दिया।
ऐसे ही किसी चिप्स वाले को आलू की जरूरत थी, करोड़ों टन आलू की जरूरत थी, आके कह देगा कि भैया आलू बो दो, आप बोइए, आप बिया लाइए, आप पानी डालिए, सब आप कीजिए, फसल खराब होगा तो आप समझिए, जो बचा हुआ फसल है उसको वो उस रेट पर खरीदेगा जो उसने पहले किया था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बेहतरीन है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो जो पहला नियम फालतू था वो हमें नहीं सही लगा, आपको लगा होगा, ये नियम हमको अच्छा लगा, लेकिन इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, जिसने गवर्नमेंट ने गांव के लेवल से लोगों से बात नहीं किया, इसलिए गड़बड़ हो गया। जरा इसमें समस्या समझिए, ये वाली कंपनी जो थी इससे गेहूं कही थी कि हम 25 रुपया खरीदेंगे, आलू वाली कंपनी ने कहा था कि अगर तुम आलू बोओगे तो हम 30 रुपया आलू खरीद लेंगे, जो भी चीज है वहां पर। मान लीजिए कि यहां पर इन्होंने तो 25 रुपया गेहूं तय कर लिया, और महंगाई बढ़ने के साथ मार्केट में अगर गेहूं 50 रुपया बिकने लगा और किसान जाके चुपे चुपे 50 रुपया बेच दिया, तब क्या होगा, कौन सेटलमेंट करेगा इसका, एक ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हो गया और उस कंपनी को घाटा लग गया, कंपनी बंद हो गई, तो फिर किसान का गेहूं कौन खरीदेगा, या जानबूझ के वो कंपनी किसान से गेहूं नहीं खरीदेगी तब क्या हो, या 25 रुपया बोली है और खरीदने के समय करिए देना है तो 20 रुपया में दो, नहीं तो जाओ भाड़ में जाओ, तब क्या होगा। तब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो एग्रीमेंट होगा ये मंडी के अधिकारी इसका क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, यही गलती कर दिया है। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जो कंपनियां हैं जो कॉन्टेक्ट करने के लिए आ रही हैं वो एग्रीमेंट करेंगी इस गांव के मुखिया जी से, जो प्रधान होते हैं ना, ग्राम प्रधान विलेज पंचायत के मुखिया से, उसके उपस्थिति में ये क्या करेंगे, वो लोग इस एग्रीमेंट को करेंगे। इससे क्या होगा, किसानों का शोषण नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए, एक गांव जब भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है ना तो दो चार कट्ठा खेत नहीं लेती है, पूरा गांव ले लेती है, 10-20 गांवों को कहेगी भैया इतना में आलू बो दो, हमारी चिप्स की कंपनी है, वो कहेगा भैया इतना में ना आप मूंगफली बो दो, हम पीनट्स बेचते हैं, कोई कह देगा इतना में, मतलब समझ रहे हैं ना कि एक दो आदमी से थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट करने आएगी वो, जब एक आदमी से 2 बीघा में कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डायरेक्ट दुकान पर से नहीं खरीद लेगी कि आपका 6 महीना इंतजार करने जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गाँव का गाँव। अब जब गाँव का गाँव कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो गाँव में तो हजार बहुत से लोगों का क्या होती है, जमीन होती है, कोई एक आदमी से तो जमीन नहीं है, इसका मतलब पूरे गांव से कॉन्टेक्ट हुआ है, तो पूरे गांव के लोगों को खेती का बात है। अब मुखिया जो है उसको हर 5 साल पे वोट मांगने जाना है। अब मान के चलिए कि कंपनी वाला बोला है कि इस गांव की जितनी गेहूं है हम 20-25 खरीदेंगे, और अगर वो 20 रुपया खरीद रहा है, मनमानी कर रहा है, तो मुखिया लड़ेगा ना जी उससे कि तुम कैसे कर दिया, मुखिया का पावर है। और अगर नहीं लड़ेगा मुखिया तो गांव के लोग याद रखेंगे कि यार ससुरा तू याद कर, तो 5 साल बाद वोट नहीं दिलाएंगे। और गाँव की मेंटेलिटी अलग होती है भाई साहब, गाँव में हर आदमी एक दूसरे को बाई फेस पहचानता है। अब गाँव में घुस जाइएगा तो सब देखेगा, सर ससुर बाहर का है, गाँव का नहीं है, शहर में कौन आया मर गया चला गया पता ही नहीं चलता। गाँव में इंसानियत रहती है और शहर में इंसान रहा करते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो मुखिया को दे से एक फायदा हो जाएगा, क्यों, मुखिया जब भी सुनेगा वो कंपनी का नहीं सुनेगा, कंपनी बाहर में जाओ तुम कहां की कंपनी, हमको नहीं मतलब, मुखिया जब भी सुनेगा वो अपने वोटर्स का सुनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपने वोटर्स का सुनता है, लेकिन अगर आप अधिकारी को दे देंगे तो उसका क्या मतलब बनता है यार, उसको ड्यूटी करे तो भी उतनी सैलरी, नहीं करे वही सैलरी, और अगर अधिकारी को बैठाएंगे तो जानता है किसान का सुनेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी का सुनेंगे तो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट यही गलती कर रही है, ये जो एग्रीमेंट है इस गाँव के प्रधान या मुखिया के नेतृत्व में करना चाहिए, तो ये पर सुहागा हो जाता। दूसरा, ये वाली चीजें अच्छी हैं और ये बहुत पहले से आ रही है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हमने लाया है तो नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है 2012 से हो रही है, जब मनमोहन सिंह के समय था, लेकिन उस वक्त बहुत छोटे छोटे पैमाने पर था, और अभी गवर्नमेंट ने जब संसद से विधेयक ला दिया तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा, आप समझ गए। अब तीसरा समझते हैं, आई होप आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ गए होंगे। इस विधेयक में यही बोला गया है, मूल्य आश्वासन, ये कंपनी क्या दे रही है, आपके प्राइस का आश्वासन दे रही है, और बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता कर रही है। यही गलती है, सुरक्षा समझौता अधिकारी के ना होकर मुखिया को किया जाना चाहिए। आप समझ गए, सहमत है तो कमेंट करके बताएंगे। अगले पे चलते हैं हम लोग, तीसरा जो चीज है, देखिए भैया जितना विवाद है ना वो तीसरे को ही लेकर है, और तीसरा वाला अजीब टाइप का है भी। देखिए तीसरा में क्या है, इसमें कहा गया है फॉर्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन एंड फैसिलिटी बिल। अब ये क्या है भाई, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, ये शॉर्टकट में समझिए इस विधेयक का नाम है। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो किसान अपना अनाज उत्पादित कर रहा है, अब वो ट्रक्स में ट्रैक्टर में लोड करके लाता था और मंडियों में बेचता था, ठीक है, कहाँ बेचता था, मंडी में, अब वो चाहे तो मंडी के अलावे और भी कहीं बेच सकता है। हमको तो इसी पे सबसे ज़्यादा हंसी आता है, अरे भैया
खुद गवर्नमेंट की एक संस्था है NSSO जो बेरोजगारी का भी आंकड़ा देती है और इन लोग का भी आंकड़ा देती है, इसको सरकार ने खत्म कर दिया कि ससुराल रहेगा तो बार बार बेरोजगारी का आंकड़ा देगा, ये आंकड़ा दे देगा तो सब कहेगा सर रोजगार दो, इसलिए ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, अब आंकड़ा ही नहीं मिलेगा बेरोजगारी का। तो ये NSSO ने क्या कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी खेती होती है ना उसका महज 6% ही मंडी में जाकर बिकता है, महज 6% जाता है मंडी में, बाकी 94% इधर उधर जाता है, कोई किसान अपने चौराहा पे जाके बेच दिया, कोई किसी साहूकार को बेच दिया, किसी बड़े किराना वाले को बेच दिया, ऐसे ही बिकता है भाई साहब 94%। और आप लोग अगर किसान होंगे तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि अगर आप 100 लोग देख रहे हैं ना वीडियोस को किसान भाई लोग में से, तो आप में से 6 लोग ही होंगे जो मंडी में जाकर बेचते होंगे, कई लोग को तो पता ही नहीं सोच रहा मंडी होता क्या है कि बहुत जगह मंडी है नहीं, आप अगर पूर्वांचल यूपी का पूर्वी एरिया देखेंगे तो मंडी इधर है नहीं है, काम की मंडी नहीं है, बिहार में मंडी है जिसे बाजार समिति कहा जाता है, वो आगे हम समझाते हैं आपको। तो गवर्नमेंट ने विधेयक लाया है कि अब आप बाहर भी बेच सकते हैं, तो भाई आप कहाँ थे इतना दिन, सोए थे कि पूरे किसान का 94% बाहर ही बेच रहे थे, तो ये विधेयक लाके आप कह रहे हैं कि नहीं आप बाहर भी बेच सकते हैं, तो मतलब आपको क्या लग रहा था कि 100% किसान मंडी में बेच रहा था, तो हमको ये नहीं समझ में आया कहना क्या चाह रहे हो भाई गवर्नमेंट। अब उनका क्या कहना है, जो गवर्नमेंट ने सफाई में क्या दिया है कि बिचौलियों जो बीच में थे उनकी छुट्टी हो जाएगी जिसे आड़ती कहते हैं, अब इसको समझ जाइए आप, पहले ऑल इंडिया मतलब आप कहीं भी बेच सकते हैं, आप बिहार में किसी चीज़ का उत्पादन करके आप बंगाल में बेच सकते हैं, तो पहले भी बेचते थे, हाँ थोड़ा सा अब सहूलियत हो जाएगा, ये बात मानते हैं कि गवर्नमेंट अब इसे ऑनलाइन कर देगी, तो इसलिए 100% कहना गलत है कि नहीं इससे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। एक अच्छाई ये है कि आप कहीं का कुछ भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप प्याज लाए महाराष्ट्र में तो आप वहीं से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं ट्रेडर्स के माध्यम से, आप पटना भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब बात थोड़ा आपको दिक्कत होता होगा, आड़ती क्या है यानी बिचौलिया क्या है। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत ज़्यादा किसान के पास गरीबी थी, तो वो किसी न किसी किसान जो थे बड़े बड़े साहूकार जो सेठ लोग थे उनसे पैसे लिए रहते थे, जब वो चुका नहीं पाते थे तो साहूकार क्या करते थे सब, जब फसल कटने का वक्त आता था तो खेत में घुस के उसकी फसल काट के लेके चले जाते थे, इससे बेचारा किसान को ना अपना पेट भी नहीं भर पाता था और ज़िंदगी भर मजदूर रह जाता था। इसलिए सरकार ने एक नियम लाया था जिसका नाम था APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हम लोग कहते हैं बाजार समिति, बिहार में लोग इसे बाजार समिति कहते हैं, शॉर्टकट में इसको बाजार समिति कहते हैं, लेकिन अगर दिल्ली पंजाब हरियाणा की बात करेंगे तो लोग इसे मंडी कहते हैं, बिहार की बात करेंगे तो बाजार समिति कहते हैं, क्योंकि बाजार समिति ही इसका असली नाम भी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी खेती से उत्पादित होने वाला, मार्केट कमेटी तो मार्केट माने बाजार, कमेटी माने समिति, तो बाजार समिति इसका एक्यूरेट नाम है, तो बट उधर दिल्ली हरियाणा पंजाब के लोग मंडी कहते हैं। अब इस मंडी में खरीदता कौन है, दुकान आप बताइए, पार्ले जी कंपनी को गेहूं चाहिए तो मंडी में खड़ा रहेगा पार्ले जी का मालिक, यहाँ टाई बेल्ट लगा के वो किसान ट्रैक्टर से उतारो, नहीं खरीदा रहता है। तो मंडी एक बड़ा सा जगह होता है, उस मंडी में आड़ती होते हैं, आड़ती क्या है, व्यापारी लोग होते हैं जिसे हम लोग बिचौलिया कहते हैं, बिचौलिया बिहार में लोग इसे गद्दी कहते हैं, आड़ती को बिहार में लोग क्या कहते हैं, गद्दी कहते हैं, मतलब अगर कोई किसान है उसके यहाँ एक ट्रैक्टर टमाटर हो गया, एक ट्रैक्टर क्या हो गया, टमाटर हो गया, अब बताओ भैया वो टमाटर कच्चा सौदा है, वो जल्दी जल्दी निकालो नहीं तो सड़ के ख़राब हो जाएगा। अब वो किसान जानता है कि अगर हम इसको फुटपाथ पे बैठ के बेचेंगे ना तब ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वो बैठ के बेचेगा कहाँ, साल में उसको 10 दिन के लिए कोई तो दुकान लगाने नहीं देगा, आपसे कोई कहेगा किसान कि आपके दरवाजे पे हम 10 दिन तक टमाटर बेच दें, आप बेचने देंगे, नहीं बेचने देंगे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें एक ऐसा किराएदार मिले जो हर 12 महीने रहे, तो कोई 10 दिन के लिए तो देगा नहीं। अब वो जानता है कि अगर मार्केट में 40 रुपया टमाटर है और हम इसको बेचेंगे आड़ती को यानी बिचौलिया या फिर गद्दी पर, तो ये 40 रुपये नहीं खरीदेगा, ये कितने में खरीदेगा, 25 रुपये खरीदेगा, हो सकता है 20 रुपये में ही खरीद ले, मतलब 20 से 30 में खरीदेगा, मार्केट जो रेट है उससे कम में खरीदता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये कहता है कि हम 2.5% कम में खरीद रहे हैं लेकिन ये बहुत कम में खरीद लेता है। अब इससे ऐसा नहीं कि इसको फायदा है किसान को फायदा नहीं है, दोनों को देखिए समझिए, एक किसान एक ट्रैक्टर वो टमाटर लेके कितने दिन में बेचेगा, उसको एक हफ्ते लग जाएंगे बेचने के लिए, एक हफ्ते वो बाजार में रुकेगा, उतना दिन खाएगा क्या, वो उतना किराया देगा किस दुकान में बैठ के बेचेगा, इसलिए उसको तो एक फटाक से एक आदमी तो मिल जाता है, एक घंटे में बेच देगा, वहां पे क्या करेगा, आड़ती के पास जाएगा जो गद्दी होता है, बोली लगाएगा, कहेगा भैया देख लो टमाटर का साइज ये है इतना है, कितना रुपया लोगे, तो कहेगा कि हम 20 रुपया का खरीद लेंगे, तो बगल वाला कहेगा कि हम 22 रुपया देते हैं, तो उधर वाला कहेगा 25 रुपया, तो देखेगा इस 25 रुपया तोरा नहीं देंगे उसको दे देंगे। तो यहाँ किसान को आड़ती में एक फ़ायदा था कि यहाँ बोली लगती थी,
जो अच्छा बोली लगा दिया वो उसको मिल जाता था। लेकिन यहाँ अड़ती वाले एक ना एक साठ गाठ कर लेते थे, सब एक के भाव बोलते थे सब, क्योंकि अड़ती वाले कितने ही होते हैं, सब पचास साठ ठो रहते थे, सब बिचौलिया फिक्स कर लेते थे, तो यहाँ किसान को घाटा होता था। लेकिन खुद सोचिए कि एक किसान मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर गेहूँ आलू उत्पादित कर दिया तो खुद बैठ के बेचेगा, हाँ अगर पूरा फायदा कमाना है तो खुद बैठ के बेचो, लेकिन किसान क्या करेगा, अगली फसल उगाएगा कि खुद बैठ के बेचेगा, तो ये बहुत काम करते थे सब उस वक्त में अड़ती सब। अभी सरकार कह रही है कि देखिए भाई आपका मन है तो आप इस अड़ती को बेचिए, नहीं तो मन है तो आप कहाँ बेच दीजिए, बाहर भी बेच सकते हैं। तो आप ये अड़ती का मतलब समझ गए ना, इसे हम लोग गद्दी कहते हैं या बिचौलिया कहते हैं, ये एक तरह के ज़रूरी भी हैं। अब आप कहिएगा किसान किसको बेच दिया, अड़ती को बेच दिया। अब अड़ती अपने पैसा से गोदाम बनाता है, उस गोदाम में उसे सड़ने से बचाने के लिए रखता है, और अब कोई आता है दुकानदार खरीदने के लिए, अगर उसका किराने की दुकान है, मान लीजिए कोई उसकी किराने की दुकान है और उसको चाहिए दाल चाहिए, लेकिन किराने की दुकान में कितना दाल रहता है, 100 किलो, 100 के लिए रहता है, अरे कोई कितना खरीदता है, 1-2 किलो खरीदते हैं आप जाके वहाँ 100 केजी, तो 100 केजी के लिए वो किसान के पास तो जाएगा नहीं, तो वो आता है अड़ती के पास। अड़ती क्या है, किसान से सस्ता लिया इसको महंगा देता है, तो भैया ये तो व्यापार का उसूल है कि आप खरीदेंगे सस्ता उसी रेट में बेचेंगे तो व्यापार क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं है यहाँ पर। तो ये अड़ती का रोल था यहाँ पर। अब इसमें कुछ कुछ देखिए विवाद का कारण क्या है समझिए, अड़ती जो लोग थे वो कह रहे हैं कि अगर आप ये अड़ती को ख़त्म कर देंगे तो फिर हमने जो गोदाम बनाया है वो सब कहाँ जाएगा, तो खैर इन लोग का अलग विवाद है। लेकिन किसानों की जो मेन समस्या है, किसानों को लग रहा है कि उनका MSP छीन लिया जाएगा, सारा का सारा विवाद MSP का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये विद्रोही हैं, मतलब ये किसी के सिखावे बहलाने में आ गए हैं। अरे भैया अगर कोई किसान है उसका आलू अगर 10 रुपया है, अगर मोदी जी कहेंगे कि भैया हम ये आलू 10 रुपया ना लेके 16 रुपया खरीदेंगे, तो कोनो ऐसा पगला किसान है कि जो ना इसे सड़क पे उतरेगा, आप खुद सोचिए ना भाई, कहीं ना कहीं तो झोल है कि नहीं है, वरना आप किसान हैं आपको क्या जाता है कि हमारी फसल का अच्छा रेट मिले तो हम विरोध करने उतरेंगे, वो भी कोरोना के बीच में लाठी खाएंगे, जबकि पूरी देश की GDP -23.9 गया है, ये किसान भाई ही हैं जिन्होंने देश को बचाया था इस कोरोना में, वरना हमारी GDP -28% चली गई रहती, नाक कट गया रहता हम लोग का यहाँ पर। अब ये MSP क्या चीज़ है, सोच रहा है MSP को समझते हैं। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसे कौन जारी करता है, MSP को जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। ये किसके अंडर में काम करती है, FCI के अंडर में। अब ये भाई साहब MSP क्या है, तो बार बार हम MSP बोलेंगे, आप पहले MSP समझ जाइए क्या है। आपको जब हम आपको अभी यहाँ पढ़ा रहे थे ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख रहे थे, ये बोने से पहले ही रेट फिक्स कर दिया कि भैया हम 25 रुपया किलो गेहूँ खरीदेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये कौन आदमी किया, प्राइवेट कोई कंपनी ने किया था, जिसको हल्दीराम था तो वो उसको भुजिया उजिया बनाना है, नमकीन उमकीन, तो बेसन को कर देगा, बेसन कहाँ से बनेगा, दाल से, तो चने दाल को कर लेगा वो फिक्स कर लेगा। चिप्स वाले को आलू चाहिए, बिस्किट वाले को गेहूँ चाहिए, तो ये प्राइवेट आदमी जो है वो बिफोर फार्मिंग खेती करने से पहले ही जो रेट फिक्स कर लिया है ना, यही काम अगर सरकार करती है तो उसे हम लोग कहते हैं MSP। समझ में आ गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्राइवेट कंपनी कह रही है कि भैया हम बिस्किट की कंपनी है, हमको लाखों टन बिस्किट के लिए गेहूं चाहिए, तुम गेहूं बो भैया क्या, ताकि हम एक के जगह आके खरीद सके, एक के गांव से आके खरीद सके, बदले में हम तुमको क्या देंगे कि हम तुम्हें पहले ही रेट फिक्स कर दिए 25 रुपया। यही बतिया अगर सरकार आके कहती है ना कि रे भैया तू गेहूं बो, चावल बो, धान मतलब धान बो, ऐसे ऐसे वो 24 गो फसल पे, 22 से 24 फसल को बोती है, ये फसल बो हम इतने में खरीदेंगे, यानी बोने से पहले जब सरकार आके कहती है तो उसे कहते हैं MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और बोने से पहले खेती से पहले अगर कोई प्राइवेट कंपनी आके कहती है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब किसानों का विद्रोह समझिए, किसानों का कहना है कि देखो भैया, इन लोग का कहना है कि सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रास्ते से कंपनियों को घुसा रही है कि तुम आके बोली लगाओ, ताकि सरकार खुद पीछे निकल जाए और सरकार को MSP ना देना पड़े, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को नहीं देना पड़े MSP। जबकि मोदी जी भाषण दे के चले गए हैं, उन्होंने कहा कि MSP रहेगा, मतलब प्राइवेट कंपनियाँ भी बोली लगाएंगी, वो किसके तहत लगाएंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, और सरकार भी MSP खरीदते रहेगी। लेकिन फिर इतना विद्रोह क्यों हो गया, क्योंकि सरकार की मंशा पर सवाल है। समझिए क्या है,
ये जो MSP का रेट डिसाइड किया जाता है वो ये डिसाइड करती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब ये रेट डिसाइड कर ली, अब सरकार उन अनाज को खरीदती है किस पर, MSP पर। अब किसान फ्री है, MSP के मामले पर किसान फ्री है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसान फ्री नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी ने कह दिया कि हम आपका गेहूं 25 रुपये किलो खरीदेंगे, तो आपको 25 रुपये ही बेचना पड़ेगा, भले रेट 10 रुपये है तो क्या हुआ, कंपनी को घाटा लगेगा लेकिन वो आपसे 25 ही खरीदेगी। लेकिन अगर गेहूं का रेट ओपन मार्केट में 80 रुपये हो गया, तो चूंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं अब आप 80 रुपये नहीं बेच सकते हैं। तो यानी किसान को एक हैंड में फायदा है और दूसरे हैंड में घाटा भी है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। लेकिन MSP में ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिएगा, यही MSP की मांग कर रहे हैं किसान। MSP में क्या है कि सरकार गेहूं बोलने से पहले, किसी भी फसल को बोलने से पहले बोल देती है कि हम इतना में खरीदेंगे। जैसे बोल दिया कि गेहूं हम 25 रुपया में खरीदेंगे, अगर मार्केट में गेहूं 10 रुपया बिक रहा है तो किसान पूछेगा मंडी में जाके 38 से मंडी में कितना रुपया खरीद रहे हो, तो कहेगा 10 रुपया का भाग, 10 रुपया MSP सरकार ले रही है 25 रुपया। अब वो सरकारी गोदाम में जाएगा, FCI का गोदाम दुनिया भर का होता है, वहाँ बेच देगा, अपने ज़मीन का खतौनी दिखाएगा और वहाँ पे बेच देगा कि भैया लो 25 रुपया, समझ गया कि नहीं। लेकिन अगर गेहूं का रेट हो गया 50 रुपया किलो, तो वो जाएगा आड़ती से पूछने के लिए कि कितना रुपया खरीदे तू, तो आड़ती कहेगा यानी गद्दी वाला मंडी वाला कि भैया 50 रुपया का रेट चल रहा है, तो इसको लगेगा कि FCI में तो साला 60 रुपया होगा, वो जाएगा FCI के पास, ए आप कितना लिए, तो कह रहे बकलोल कहीं का, हमसे अभी का पूछने आ रहा है, हम तो खेती करने से पहले ही बता दिए थे 25 रुपया खरीदेंगे, कहा ओ हो हो खेती में 4 महीना टाइम लगता है, भुला गए थे। तो कहेगा यही सोच रहा, वहाँ FCI गोदाम में MSP जो है वो 25 रुपया है, वहाँ पे कितना है 25 रुपया, आई मंडी में हम चले आए हैं तो मंडी में हमको फायदा मिल गया है, कितना रुपया हो गया मंडी में 50 रुपया। अब इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं किसानों के बीच में, सरकार था। अब सरकार, अब किसान क्या कहते हैं, सब इस मंडी में नहीं बेचता है, सब सीधे सॉरी MSP पे ना बेच के किस में बेच देता है, सब मंडी पे। तो आप ये तो समझ गए कि आप बताइए फायदा किस में है, फायदा तो MSP में है भैया, यहाँ भी सिक्योरिटी मिल रही है MSP में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी सिक्योरिटी मिल रही है कि भाई हमारा पहले रेट फिक्स है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर मुनाफा ज़्यादा हुआ बाहर में तो आप बाहर नहीं बेच सकते हैं, और MSP में अगर मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है बाहर, तो इसको छोड़ दीजिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाहर भी बेच सकते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ये MSP हटा देगी, अब मोदी जी का कहना है हम MSP नहीं हटाएंगे। देखो भाई साहब, हम किसान को भी कहते हैं आप भी बहक रहे हैं, और मोदी जी को भी कहते हैं आप बहुत होशियार हैं। गवर्नमेंट की चाल क्या है कि ना हम MSP हटेबो नहीं करेंगे और रहले कोनो काम का नहीं रह जाएगा, समझिए कैसे। सरकार कहती है कि हम किसानों से 25 रुपये किलो गेहूं खरीदते हैं, ठीक है, और राशन कार्ड पे वही गेहूं 2 रुपये किलो बेच देते हैं, तो सरकार को तो घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप तो सरकार की भाई बात कहना सही है कि भाई गोदाम में रहने से खराब भी हो जाता है, हम आपको अभी तो फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे कि गोदाम में अनाजों की रक्षा करने के लिए कौन से रेस का प्रयोग किया जाता है, तो गामा रेज, गामा किरण उसमें लाइट लगा दी जाती है गामा रेज का, जिससे कि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, और अगर बारिश से वो भीग के खराब ना हो जाए, उसमें से अंकुरण ना निकल जाए, उसमें दाना ना निकलने लगे, इसलिए उसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है पेस्ट। वो पेस्ट लगा देने से गेहूं के अंदर की नमी बरकरार रहती है, ज़्यादा नमी सूखती नहीं है वरना बीज मर जाएगा, और ज्यादा भीगता भी नहीं है नहीं तो उसमें से अंकुरण निकल जाएगा, गोदामे में फलने लगेगा, तो पेस्ट लगा दिया जाता है। और भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा कि फसल बोते समय किस चीज की ज्यादा अधिकता होनी चाहिए, तो बीज बोते समय फास्फोरस की अधिकता होनी चाहिए, लेकिन जब 1 फुट का पौधा हो जाता है यानी जब पौधा का शक्ल ले लेता है, तो उस समय नाइट्रोजन डालना चाहिए, यूरिया वगैरह, और उस समय उससे पहले आपको फास्फोरस के लिए आपको आते हैं सब, उसको डालना चाहिए पोटास वगैरह, समझ में आ गया कि यहाँ पे। तो ये गोदाम है, FCI यहाँ पर काला धंधा कर देती है, सरकार तो आएगी नहीं इसको खरीदने के लिए, तो FCI क्या करती है, इस गोदाम पे अपने अधिकारियों को बैठा देती है। अब अधिकारी लोग इस गोदाम पे बैठ गया, अब यहाँ थोड़ा समझिए, ये MSP का रेट है कितना, 25 रुपया गेहूँ। किसान आया कहा कि भाई साहब मंडी में 10 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है, आप हमको खरीद लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप ही बोले थे MSP कितना है 25 रुपया। तो कालाबाजारी कैसे होता है, इस पे बैठा जो अधिकारी है, ये ससुरा अधिकारिया क्या कहता है पता है, कि देखो भैया हमारे गोदाम में अभी जगह नहीं है, बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है। अब बताइए जब बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है, तो क्या करेगा, तो ये किसान को लौटा देता है, और जब ये किसान लौट कर मजबूरी में मंडी में जाता है, वहाँ 10 रुपया बेचता है, तो ये अधिकारी मंडिया में पहुँच जाता है और कहता है किसान में बेचा है कितना रुपया, 10 रुपया, तुम हमको दे दो 12 रुपया।
या हमको दे दो 15 रुपया, तो उसी किसान से ये बाहर जाके दलाल से खरीद लेता है और खुद क्या करता है इस गोदाम में भर देता है और सरकारी खाता में दिखा देता है किसान से हम 25 रुपया खरीदे, जबकि ये अधिकारिया काला बाजारी में खरीद के लाया है 15 रुपया, अब हर केजी पर इसको बैठे बैठाए कितना रुपया फायदा मिल गया इसको 10 रुपया। किसान भी बेचारा 1 किलो गेहूं पे 10 रुपया नहीं कमा सकता है और ये FCI के बैठे हुए लोग 10 रुपया तुरंत कमा लेते हैं। किसान जाएगा ना, कह देगा बोरा नहीं है, जगह नहीं है, सड़ रहा है, जाओ खाली नहीं है, बाबू नहीं है, ये नहीं है, इतना ना दौड़ा देगा कि आप MSP पे बेचिए नहीं पाएंगे तो मजबूरी में जाएंगे। इसीलिए हम कहें भैया पूरे हिंदुस्तान में 6% लोग हैं किसान हैं जो MSP पर मंडी में बेच पाते हैं, FCI के पास बेच पाते हैं, बाकी 94% लोग बाहर बेचते हैं, मजबूर कर देते हैं ये लोग FCI वाले। अब देखेंगे ना FCI के गोदाम में सड़ता है अनाज, सड़ रहा होता है, एकदम भयानक सड़ रहा होता है अनाज। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया देखिए ये जो FCI वाला सीन है इसको बदलने की ज़रूरत है, अब हम थोड़ा सा आपका मन आप बाहर भी बेच सकते हैं, हमारे पास रखने का जगह नहीं है। अब देखिए महाराष्ट्र का किसान कहता है कि हम अगर प्याज को UP बिहार बेचते हैं तो हमको 20 रुपया किलो का रेट मिलता है, लेकिन यही प्याज हम अगर बांग्लादेश बेच देंगे तो हमको 55 रुपया मिलेगा। तो आपको केवल वही फायदा दिख रहा है जहां सरकार को फायदा है, किसान जहां प्राइवेट व्यक्ति को फायदा हो रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है। अब आप सोचिए ना अगर बांग्लादेश प्याज चला जाए, अफ्रीका प्याज चला जाए तो कितना फायदा होगा। तो आप कहेंगे कि खान साहब आप तो सनक गए, तो हम लोग कौन सी प्याज नहीं खाएंगे क्या, हम लोग निर्मला सीतारमन कही थी प्याज बढ़ गया तो कहती हैं कि हम नहीं खाते हैं प्याज, तो हम लोग क्या खाएंगे। तो भैया उत्पादन की क्षमता को तो बढ़ा सकते हैं, आप बोल तो सकते हैं बाकी किसानों में कि भैया महाराष्ट्र के किसान इस बार जो है प्याज उसको कहाँ बेच देंगे बाहर में, इसलिए प्याज की कमी हो जाएगी तो यहां का किसान प्याज बोएगा। पता चलता है कि उन्हीं किसान प्याज बो दिया, इन्हीं बेच दिया, प्याज हो गया एकदम में सस्ता, अगली बार किसान कहता दूध से प्याज 5 रुपया बिका था, अगली बार नहीं बोएंगे, तो उन्हीं वाला नहीं बोया, इन्हीं वाला नहीं मिला, प्याज हो गया 200 रुपया किलो, कोई सिस्टम ही नहीं है यहां पर। तो किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट अपनी फायदा सोच रही है, गवर्नमेंट कह रहा है कि हम इसमें क्या ही लिए खरीदे जाए। अब किसान कह रहे हैं मोदी जी की बातों नहीं सुन रहा है सब किसान, मोदी जी का भी कहना सही है कि कांग्रेस ने जितना किसानों से MSP पर, कितने पर, MSP पर अनाज खरीदा था उससे 30 गुना ज़्यादा अनाज गवर्नमेंट BJP ने खरीदा है, ये वास्तविकता है। अब हम नहीं कह रहे हैं भाई ये सरकारी आंकड़ा बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, और हकीकत भी है खरीदा है। तो मोदी जी अपना सीना थपथपा रहे हैं कि हाँ भाई खरीदे, सही बात है, लेकिन मोदी जी की मजबूरी बना के गए थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की 2013 में उन्हें लग गया था कि हम जीतने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने चुनावी दाव खेला था, उसको नेशनल सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा विधेयक याद होगा आपको, और उन्होंने कहा था कि अब हर राशन कार्ड पर 2 रुपया किलो गेहूं जो BPL वाले हैं और 3 रुपया किलो चावल बिकेगा। 2014 में विधेयक को पारित करके मनमोहन सिंह चल गए, हम मोदी जी आए तो ही कपार पे पड़ गया मोदी जी को, कहा कि दूध तरीका तो चल गए हैं यहाँ, अब मोदी जी को देना पड़ रहा है। अब विधेयक तो संसद का है, संसद से पारित विधेयक कोई भी सरकार रहेगी उनको मानना पड़ेगा, इसलिए मोदी जी जो हैं वो खरीद रहे हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन इसी गवर्नमेंट ने कि जो सांता कमेटी ने कहा कि MSP पर जो हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी पे बोझ पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी हटा देनी चाहिए, प्राइवेटलाइजेशन को इसमें करनी चाहिए। किसान यही कह रहा है कि मोदी जी एक और आप कहते हैं नहीं हटने देंगे, ये कोई कमेटी कहता है, और मोदी जी जिस पार्टी के सदस्य हैं ना BJP, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे ये भाई साहब नितिन गडकरी जी 2012 से 14 के बीच में वहाँ पे, फिर बाद में इनमें एक ठो फैक्ट्री घोटाला का आरोप लग गया तो इनको हटाकर राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, फिर जाके अमित शाह अध्यक्ष बने और अभी JP नड्डा हैं, समझ में आ गया, आज से 10 साल पहले की बात है ये। तो इन पे आरोप लगा, ये क्या कहे, इन्होंने स्पष्ट बोला था नितिन गडकरी साहब कि MSP इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ आवर इकोनॉमी, MSP जो है ये हमारे ऊपर एक बोझ है कि हम सरकार इतना गेहूं खरीदते हैं 25 रुपया और बाकियों को दे देते हैं हम कितना रुपया भैया 2 रुपया। अब हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं MSP पर सरकार को कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 करोड़ रुपये का लॉस होता है, ठीक है। 1500 करोड़ रुपया जब सरकार ने बैंकों का माफ़ किया, और वो माफ़ कैसे किया, बैंकों से नीरव मोदी लिया है, बड़का बड़का उद्योगपति लेके भाग गया सब, वो कह दिया सब बैंक से हम नहीं चुका पाएंगे, तो सरकार कहती है एक काम करो उनका माफ़ कर दो, आने जनता ने टैक्स भरवे किया है, आवाज दे देते हैं वहाँ पे, लो तुम्हारा टैक्स, तुम्हारा कर्जा माफ़, और जो लेके भागा है से उनसे कहते चुनाव में पैसा दे देना हमको,
समझा गया ना, तुम्हारा कर्जा माफ। तो भैया जो 15,000 करोड़ रुपए आपका जो आपका ये एनपीए जा रहा है बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आपको एनपीए नहीं समझ में आ रहा होगा, वो हम समझा देंगे कभी यार। तो वहाँ पे तो आप नहीं कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है इकोनॉमी में, सोच रहा बैंक जो थे सब उसको घटते जा रहे हैं डेली डेली बैंक, हमको तो जिस हिसाब से बैंक घट रहे हैं लग रहा है लास्ट में वो खाली आरबीआई बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, सब आरबीआई में खाता खुलवाया जाएगा। तो गवर्नमेंट दो तरह की बात करती है, गवर्नमेंट के पास भी खराबी क्या है, उसके पास भंडारण करने की क्षमता नहीं है। भंडारण आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भंडारण क्षमता आ गया है, ये लोग कौन सी का भंडारण करते हैं, वही टीन से ढेंगन ढाल देंगे लोग वहाँ पे, ये मॉडर्न आ गया, इसमें बोरा वोरा रखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर चला जाता है, कन्वेयर होता है यहाँ पे, सीधे डाल देता है, और जब बेचना होगा तब बोरा में से निकाल के बेचिएगा यहाँ पे। तो मॉडर्न फूड पार्क का है ही नहीं है, और किसान करे तो क्या करे, उसको रखने के लिए भी नहीं है। आप देखते होंगे कि किसान ला रहा है आलू, अगर कोल्ड स्टोर में रखने ले जा रहा है तो 300 रुपया बोरा आलू वो रखने का भाड़ा ले ले रहा है, और बेचेगा तो 300 रुपया, तो आलू छोड़ देता है बेचारा। तो सरकार के पास रखने का भी जगह नहीं। अब बात करते हैं भाई शिरोमणि अकाली दल का, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भड़का दिए हैं सर। ठीक है भैया, कांग्रेस भड़का दिए सर, तो भाई बीजेपी की गठबंधन की सरकारी है शिरोमणि अकाली दल, और अकाली दल की तो भाई साहब ये मंत्री रही आपकी, अभी दो दिन पहले मंत्री थी हरसिमरत कौर, ये तो मंत्री रही थी। अब इनकी बात सुनिए भाई, जब सरकार इसे आनन फानन में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लगवा रही थी जून में, तो ये मंत्रिमंडल की बैठक में थी ये, और जब सरकार लेके आई विधेयक तो किसानों ने विरोध कर दिया। इन्होंने देखा भाई प्रे बाप, पंजाब के किसान विरोध कर देगा सब, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में मंडी ज़्यादा है, बाकी जगह पर मंडी कम है, तो इन्होंने देखा हमारा सरकारी गिर जाएगा, तो कहती है ना हम इसके विरोध में हैं, मंत्रिमंडल से पद से इस्तीफा दे दी। मतलब आप समझ रहे हैं क्या है भाई, तो खैर इस्तीफा दे दी वो अलग बात है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, देखिए आज़ादी से लेकर आज तक रियलिटी यही है कि सरकार किसानों को ना देखी है और ना देखना चाहती है, उनका विकास नहीं देखना चाहती, गारंटी आपको बोलते हैं। समझिए कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तब से आज तक किसानों की इनकम 21 गुना बढ़ गई है, यानी 1950 की बात करेंगे और 2020 की बात करेंगे तो इस दौरान किसानों की इनकम लगभग 21 से 22 गुना बढ़ी है, आप 21 गुना मान के चलिए, 21 गुना इनकम बढ़ी है, यानी जो किसान 1 रुपया कमाता था 1950 में आज वो 21 रुपया कमाता है। लेकिन इसी बीच जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका इनकम 180 गुना बढ़ा है, यानी किसानों का इनकम 21 गुना और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका 180 गुना, जो टीचर बैठे हैं लोग ना, टीचर लोग, पहले टीचर की सैलरी नहीं थी उतनी, उनका 200 गुना बढ़ गया है। सोचिए, अब हम आपसे कहते हैं, आपके मन में आता होगा कि किसान सुसाइड क्यों करता है, जितने सरकारी टीचर हैं ना उनका जो सैलरी 200 गुना बढ़ा है उनको काट कूट के 21 गुना पे लाइए, और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको 21 गुना पे लाइए, उनकी सैलरी जानते हैं कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया, सरकारी मास्टर जो 1,00,000 रुपया पढ़ा है उनका 9,000 हो जाएगा। फिर देखिए हर कॉलेज हर स्कूल में क्लास खोलेंगे ना, एक मास्टर लटकल रहेगा फांसी लगा के। आप समझ में आ रहा है किसान क्यों फांसी लगाता है। वाकई अगर किसी गवर्नमेंट को अगर किसानों की परवाह रहती है ना तो वो वैसे ही बनाए जैसे एमआरपी होता है। एमआरपी हम आपको सिंपल बताते हैं, ये मेरा मोबाइल है, हम पुराना मॉडल का मोबाइल रखे हैं, ये बहुत है 2016 का मोबाइल है, हम इसे 11,000 रुपये में खरीदे थे, इसका एमआरपी लिखा हुआ था 11,000 रुपये, यानी 11,999 कोई माई का लाल है जो बोल दे कि 11,000 का मोबाइल तू हम खान सर हम आपको 12,000 में देंगे या 15,000 में देंगे, नहीं दे सकते हैं आप। यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी होता है, तो सरकार किसानों के लिए एक मिनिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं लाती है कि कोई भी व्यक्ति किसान से उसका आलू 20 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकता है, 25 रुपये से नीचे आप प्याज नहीं खरीद सकते हैं, किसान से आप 20 रुपये किलो से नीचे गेहूं नहीं खरीद सकते, खरीद देंगे तो जेल हो जाएगा। आप कौन चीज को झुंझुना थमा देते हैं एमएसपी, अरे मोदी जी ने सही कहा है कि भाई एमएसपी खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि भाई एमएसपी काम को कौन चीज का है, 6% जब किसानों का वो अनाज खरीद रहा है तो किस काम का है, और ये धीरे धीरे चौपट कर देता है। समझिए कैसे, मान के चलिए कि कोई लड़की है और हम चाहते हैं हमारी उससे इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है इंगेजमेंट हो गई, हम चाहते हैं ना कि हमारी सदियां टूट जाए, तो कैसे करेंगे। देखिए लड़कियों की शादी का एक लिमिट होता है कि भैया 38 से पहले कर दो तो आराम से हो जाएगा, लड़की का उम्र अगर 30 हेल गया ना तो इंडिया में शादी करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन लड़का ससुर 40 पर करेगा तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो हम है लड़का, हमारा इंगेजमेंट हुआ है, हम ससुर जी से कहेंगे कि ससुर जी कहेंगे शादी कर लीजिए ना, हम कहें ना अभी नहीं करेंगे 2 साल बाद 3 साल बाद, उनको बस लड़कियाँ को हम 5 साल झेला देंगे ना तो घर लड़की के घर वाला समझ जाएगा लड़का भाग रहा है और खुद से शादी तोड़ लेगा सर। जानता है सर कि अगर मान के चलो 10 साल और झेला के बाद कहेगा कि हम ब्याह ना करेंगे तो लड़कियां हमारे और कहीं ना ब्याह कर पाएगी,
यही काम सरकार करेगी एमएसपी में। एमएसपी कहेगी कि हम आपसे गेहूं खरीदेंगे 25 रुपया, सरकार ने कह दिया हम 25 रुपया खरीदेंगे। एमएसपी मतलब हम ये रेट फिक्स किए हैं, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हम आपसे खरीदिए लेंगे 25 रुपया। आप जाएंगे गोदाम में ना तो गोदाम वाला सीधा कह देगा जगह नहीं है। अब किसान क्या कहेगा, घर में रखेगा गेहूँ सड़ जाएगा अगले साल तक, उसको रखने का जगह नहीं होता आदम में। तो मोदी जी ने सही कहा है कि वो एमएसपी को ख़त्म ही नहीं करेंगे। भैया एमएसपी 25 रुपया रहेगा, लेकिन आपको एमएसपी पे ख़रीदा नहीं जाएगा। और आप अगर इसको मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं तो आप बताइए किसके समय पे ये अच्छा था। हम नेहरू से लेकर अभी तक की बात करें कोई नहीं ध्यान देता है। भाई साहब इस लॉकडाउन में ना हरियाणा में जो मक्का था, मक्का वो 6 रुपया किलो बिका है, जबकि एमएसपी था उसका 18.5 रुपया। कहाँ मर गई थी सरकार वहाँ पर? हाँ हम तो बहुत किसानों की सरकार सुनते हैं वहाँ पर, हम तो समझे नहीं वहाँ पे सुनते हैं वहाँ पे सांसद लोग ट्रैक्टर से जाता है। अच्छी बात है भाई आप ट्रैक्टर से जाते। जब सरकार ने एमएसपी बोला था कि हम मक्का खरीदेंगे 18.5 रुपया किलो, तो 6 रुपया किलो आप मक्का खरीदे। 1995 में भी 6 रुपया किलो मक्का था, यानी 1995 का जो रेट था आप मक्का का रेट दे रहे हैं आप 6 रुपया। राष्ट्रपति का 1995 में जो सैलरी था आपका वही दे देते हैं यहाँ, आज 5 लाख रुपया ले रहे हैं, उस समय 60,000 थमा दीजिए यहाँ पर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राष्ट्रपति भाग जाएंगे पहाड़ी पे से, कौन पहाड़ी है सर, रायसीना की पहाड़ी नहीं रहेंगे वहाँ पर, वहाँ पर। और किसान को तो थमा दो भाई साहब, जो 90 में खरीदा वही यहाँ पे खरीद लेगा, यहाँ पर क्या मतलब बनता है। अगर गवर्नमेंट रियल में आप किसानों की भलाई चाहते हैं तो आप इस दर से एक सामान का मैक्सिमम रेट होता है ना उस तरह फिक्स कर दीजिए, फिर उस किसान को छोड़ दीजिए, आप मंडी दीजिए चाहे मत दीजिए, आपका मन आप APMC रखिए, आपका मन आप विदेश में बेचिए। किसान को फिक्स है कि भैया हम रात 2 बजे भी जाएंगे तो हमको 25 रुपया गेहूँ खरीदना ही पड़ेगा, चाहे तू अपनी अब्बा के खोपड़िया पे रखो, FCI के गोदाम में जगह नहीं है तो तुम समझो तुम्हारा दिक्कत है। तुम्हारे पास हिंदुस्तान में इतनी जमीनें हैं, यहां पर 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर रख लियो, किसानों के लिए गोदाम नहीं है, बात करते हो संसद भवन में रखवा दो, खाली ना रहता है, 3-17 चलता है, बाकी समय तो खाली रहता है, बाकी ग्राउंड में रखवा दो, नहीं जगह है। मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के पीछे बड़का, उसमें FCI का गोदाम खुल सकता है, वो सब रहेगा। 1200 कैटेगरी का फूल है हमारे राष्ट्रपति भवन में, महाराज की जय हो, लेकिन किसानों के रखने के लिए जगह नहीं है। मन करता ना माथा फोड़ ले अपना, हम पगला जाएंगे यहाँ पर। हम सच बताते हैं हमारे देश की GDP को बचाया किसने, किसानों ने, 3% का योगदान दिया, लेकिन खिलवाड़ किया जा रहा है उसके साथ। कोई भी की गवर्नमेंट की बात करते कोई नहीं देता है। आप छोड़िए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई राज्य सरकार है, राज्य में तो अलग अलग सरकार है, केरल में लेफ्ट है, इधर ममता बनर्जी है उनकी अलग है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, कोई कर दो, कोई कर दो भाई, MSP फिक्स कर दो, नहीं करोगे यार। अब आपको क्या समझ में आया, विधेयक हमको नहीं समझ में आता है। हमारे हिसाब से ताम झाम करने से कोई अच्छा नहीं है, एक विधेयक लाइए, MSP है, इतना से नीचे आप किसान से नहीं खरीद सकते, खरीदेंगे तो अगले दिन जेल में आपकी सुबह होगी, फिर जेल में उठिएगा कहिएगा कहाँ भेज दिया यहाँ पर, ये होना चाहिए यहाँ पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स होना चाहिए, उसके बाद छोड़ दीजिए उसको कहाँ बेचना है, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ लिखे ना MSP पे केवल 6% किसान ही खरीदते हैं, 24 फसलों पे दिया जाता है साल में 2 बार, यानी एक ठो रवि फसल पे एक ठो खरीफ फसल पे। सरकार को क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट होते हैं, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट ऐसे सेटेलाइट को बोले जाते हैं जो आसमान से ही जमीन के अंदर कौन सा खनिज छुपा है, सोना चांदी ये सब का पता कर लेते हैं, कहाँ पेट्रोलियम है। सरकार को ऐसे रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट देनी चाहिए और इससे अपनी ज़मीन पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि कहाँ कौन सी फसल अच्छी होनी चाहिए, और किसानों के लिए एक एप्लीकेशन बना के देना चाहिए। आप जिस गांव में पैदा हुए हैं ना, जिस शहर में पैदा हुए हैं, आपको उस शहर की सारी गलियां नहीं पता होगी, लेकिन गूगल मैप को एक एक गली पता है। कैसे? क्योंकि उसने दिमाग खपाया है, वो अपने आप को नंबर 1 दिखाना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट किसानों को एक सिंपल सा एप्लीकेशन देती जो अनपढ़ किसान भी रहते उनमें कोई टेंशन नहीं था, वो सेटेलाइट से देख लेते, उन पर केवल मेनली 3 ऑप्शन दे देते कि भैया वो प्राइस पे क्लिक करेगा तो वहाँ प्राइस लिख के भी आएगा, वहाँ बोलेगा भी, कैसे गूगल पे लिखेगा तो बोलता है, वहाँ पर लिख देगा कि आपके एरिया में गेहूँ का दाम इतना रहेगा, चावल का इतना रहेगा, इसका इतना रहेगा। किसान अनपढ़ भी रहता है लोग बहुत, वो क्लिक कर लेगा वहाँ पर, प्राइस देख लेगा, फसल देख लेगा। अब सेटेलाइट ऊपर से बता देगा ना कि भैया बारिश इस बार अच्छा होगा या खराब होगा, इस एरिया में किसकी फसल अच्छी होगी, तो वहां फसल देख लेगा। यहां पर सबसे जरूरी चीज क्या है, सरकार को एक डाटा रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में कौन सी फसल ज्यादा हो रही है। अब पता चला महाराष्ट्र में भी हुमच के प्याज बो दिए, राजस्थान में भी बो दिए, राजस्थान में तो होता नहीं उतना, बिहार में बो दिए, यूपी में बो दिए, हुमच के प्याज बो दिए, लो अब प्याज हो जाएगा ससुरा 10 रुपया किलो। तो एक सेटेलाइट से डाटा रहना चाहिए ना, जो डाटा बता दे, देखिए एक साथ खेती नहीं होती है, 10-12 दिन का अंतर होता है, तो
तो वहां पर वो बता देगा कि भैया महाराष्ट्र में ना ज्यादा इस बार प्याज बोया गया है, तो यूपी वाला भैया प्याज की जगह पे कुछ और बो देगा, वो वहां पे गेहूं बो देगा। तो एक बैलेंस वे में रहना चाहिए। तो एक एप्लीकेशन पर इसका डाटा रहना चाहिए कि कौन सी फसल किस एरिया में है, और सरकार पहले बता दे कि इस एरिया में आप बेहतर होगा प्याज बोइए, इस एरिया में आप बेहतर होगा गेहूं बोइए, जहां जैसी जमीन है वो बोइए। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची बोइएगा हो जाएगा, आप दिल्ली में लीची लगाइएगा अच्छा से नहीं होगा। तो एक बेहतरीन पैटर्न होना चाहिए जिससे कि सरकार को माथा पच्ची नहीं करना रहता, एक चीजों का रेट एक फिक्स रहता है। नहीं होता कि हमारा एक दोस्त था, उसकी यहाँ शादी था, तो शादी में वो चिकन बनवाने के लिए सोच रहा था, चिकन था 120 रुपये किलो, अब प्याज था 150 रुपये किलो, गजब हो गया, समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो ये समस्या नहीं आती। और उसके बाद मौसम, किसान को पता ही नहीं होता है किस वर्ष एलनीनो आएगा, किस वर्ष लानीना आएगा, मानसून अच्छा होगा या खराब होगा। अगर किसान को पता, अब जैसे हम आपको बताते हैं यूपी वगैरह में बारिश बहुत अच्छी होती, लेकिन सरकार बोल देती ना कि बारिश इस बार थोड़ा पहले ही आ जाएगा ना, तो किसान जो था ना, जो धान का बिया लगाया था वो थोड़ा ऊँचे जगह पर लगा देता, जिससे कि उनका बिया नहीं बहता। इस बार क्या हुआ, जो धान बह गया वो तो बह गया, लेकिन जो बच गया बहुत बेहतरीन हुआ है। तो इस बार जो इंद्रदेव मेहरबान थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाया है, तो सरकार को ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और एक सिस्टमेटिक बताना चाहिए कि भैया किस एरिया में कौन सी फसल हो रही है, ताकि एक बैलेंस वे में रहे और हम लोग ऐसा ना हो कि ज़्यादा किसी चीज़ को उत्पादन कर ले और किसी चीज़ का उत्पादन कम कर ले प्राइस वगैरह के लिए। एक बात ही हम कहना चाहेंगे, अगर किसान को बचाना है तो भैया MSP फिक्स कीजिए कि उससे नीचे, चाहे तो साहूकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे FCI हैं, चाहे आपके बिचौलियाँ हैं, गद्दी हैं, बाजार समिति, उससे नीचे आप उससे नहीं खरीद सकते। किसान बच गया भाई साहब, वरना किसानों का पलायन होगा ना बड़े बड़े शहरों में। आप देखिए करोड़ों लोग लॉकडाउन के बीच में गांव में आए हैं। ये एक नया मौका प्रकृति ने हमको दिया है कि आज भी उन किसानों के लिए भला सोचिए, वो हमारे देश की GDP को बचा लेंगे। और नहीं तो कितना काम आया आपका, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी ये फैक्ट्री वगैरह सब तो धाराशाही हो गई, ये किसानों ने ही बचाया था, इनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको राजनीतिक लगेगी, अब हमको नहीं लगता है इसमें राजनीति की बात है। आपको अगर लगता है कि नेहरू से लेकर मोदी के बीच में किसी ने किसानों के लिए कोई बेहतरीन काम किया है तो आप कमेंट करके बताइए, और आप भी दबाव बनाइए कि सरकार MSP को लागू करे सख्ती से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।